फ्रेंड्स कल रात को धोनी गली में फ्रेंड्स के साथ खेलने गई और दे देखो कितनी तेज चोट लगाई है। मतलब हाँ भाई यश ना, हाँ जी, क्या कर रही हो? मैंने सुना है अभी धोनी से कि तुम दाल बाटी चूरमा बना रही हो। धोनी तू थोड़ा सा ना लेट जा क्योंकि चोट अभी भी लगी हुई है, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा उसको। जिनी ट्यूशन चल रहे हैं? यहाँ पे एशना जी बिल्कुल आ गई है रेस्टिंग मोड में। भैया सोने को थोड़ी देर। भैया मतलब सैया को बोल रहे हो भैया? फ्रेंड्स कल रात को धोनी गली में फ्रेंड्स के साथ खेलने गई और दे देखो कितनी तेज चोट लगाई है। मतलब ये गली में गिर गई थी खेलते खेलते, अभी पहले इसने ये लगा दो फिर इसको शाम को डॉक्टर के लेके चलते हैं। फ्रेंड्स इस पे ग्रह पे ग्रह ही आए जा रही है, अभी बुखार हो के चुका है और अब आज चोट लगाया ही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे आजकल के बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को धक्का दे दे के खेलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ध्वनि ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ज्यादा हो रहा है तो अब आप थोड़ा सा रेस्ट करना ध्वनि, ये दवाई लगवाने के बाद थोड़ा उछलना कूदना बंद करो ठीक है। और थोड़ा बेटा सब बच्चे ध्यान से खेलो, देखो उसके भी कितनी तेज चोट लगी है और पेरेंट्स कितने परेशान हो जाते हैं। मेरा तो एकदम से अजीब सा जी हो गया उसकी चोट देख के। ध्वनि अब आपको रिलैक्स करना है ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करो और लेट जाओ ओके। और हाँ इसकी हो सकता है टेटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़े। हाँ ये बात तो ठीक है, हम धोनी को टेटनेस का इंजेक्शन भी लगवा लेंगे क्योंकि इसके मतलब चोट जो लगी है वो गली में लगी है। धोनी तेरा रोना एकदम से हंसी में कैसे बदल गया? इंजेक्शन के नाम पे। धोनी मतलब इंजेक्शन मजा आता है धोनी इंजेक्शन लगवाने में? कोई बात नहीं, मेरा बच्चा हो जाएगा। धोनी अब पढ़ने लग गए? अब चोट में कैसे आराम है आपको? अच्छा तो बेटर लग रहा है? हाँ। और पता है मम्मी ने आपके लिए खाने में क्या बनाया है? हाँ। सोचो, दाल से शुरू होती है वो। हाँ दाल बाटी चूरमा। एक्साइटेड? तो देखें मम्मी का काम कहाँ तक पहुँचा। हाँ भाई यश ना, हाँ जी, क्या कर रही हो? मैंने सुना है अभी धोनी से कि तुम दाल बाटी चूरमा बना रही हो। रेडी है तो मुझे लग रहा है तुमने कहीं बाजार से मंगाया है। अच्छा, इतना ही भरोसा है आपको इश्ना? वो तो देखो एक्चुअल में वो खा के पता चलेगा, अगर इस चूरमे में तुम्हारे हाथों का प्यार हुआ तो मतलब तुमने बनाया है, और अगर कहीं और का हुआ तो मतलब तो तुमने राजस्थानी कहीं से मंगा लिया। देखो ये घर का चूरमा, ये देखो ये मैंने चूरमा बनाया और फ्रेंड्स राजस्थानी चूरमा बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये बात तो है, मम्मी सुबह से लगी हुई है और बीच में धोनी का चोट भी लग गई तो हमारा मूड भी थोड़ा ऑफ सा हो गया था, लेकिन मम्मी ने फिर भी इतनी मेहनत करी और बनाई। लेकिन बाटियां कहाँ हैं? गजब गजब, मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। तो अब ये खाना है या और कुछ? दाल कहाँ पे है? दाल और कुछ भी खाना है क्या आपको? नहीं मेरा तो मतलब इसी से मतलब देख के आधा पेट भर गया, बाकी खा के भर जाएगा और मैं तो दो तीन बाटियां एक्स्ट्रा ही खाने वाला हूँ। जिनी क्या कर रही है? मेरे हिसाब से उसके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो तुम्हारे हिसाब से उसके एग्जाम आने वाले आने वाले हैं तो बेचारा बच्चा पढ़ रहा है। चलो मैं देखता हूँ वो कितना पढ़ रही है। हाँ भाई जिनी तेरा मुंह इतना सैड सैड सा क्यों हो रहा है? सैड क्यों हो रहा है? मैं पढ़ रही हूँ। तू पढ़ रही है? yes, तू क्या पढ़ रही है? मैं ज्यूडिशरी पढ़ रही हूँ चैप्टर 5 सिविक्स का। अच्छा तो पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सच सच बताइयो। अब आप कहोगे कि ये चैप्टर तो वैसे इंटरेस्टिंग है तो पढ़ने में तो मजा आया, अब लर्निंग का टाइम आ गया है। अब लर्निंग में किसमें मजा आता है? मतलब मजा तो आता है पढ़ने में आता है। ये तेरी मैडम व्लॉग देखेंगी। और मैडम को उतने पढ़ाने में भी आता है। पढ़ाने में भी आता है, गरीब बात है। मैम को पढ़ाने में आता है, हमें पढ़ने में आता है। और ये सब बातें तू ना फालतू की बात में कर रही है। तू ये बता तेरी तैयारी कितनी हो गई है? हो गई तैयारी? फिर तू कॉपी लेके क्यों बैठी हुई है अगर तेरी तैयारी हो गई है तो? बस वही चलता रहता है, रिवीजन 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 चलता रहता है। चल ठीक है जल्दी से ना खाना खाने आ जाइए, क्योंकि मम्मी ने बनाई है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा मेरा फेवरेट। यस। अरे वाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो कैसा लग रहा है जी? अच्छा आ गई तुम अपनी तारीफें सुनने? हाँ मैं आ गई अपनी तारीफें सुनने। मतलब देखो मुझे तो ना, हाँ मतलब दाल बाटी चूरमे में से, मतलब दाल बाटी चूरमे में से तीनों चीजें ही
तीनों चीजें बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया लगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी बहुत टेस्टी है मम्मी। हाँ। मम्मी बहुत टेस्टी। मम्मी का खाना भी टेस्टी है। हाँ, क्योंकि हाथ का खाना बहुत टेस्टी। हाथ का खाना, हाथ का खाना, खाना खाना कहीं ऐसा ना, हाथ का खाना मतलब थप्पड़ मारना। हाथ का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। बॉडी तो बढ़िया है मम्मी, और चूरमा तो क्रिस्पी है ना, मजा आ रहा है। हाँ जी छुटंके, आपके क्या रिव्यूज? ये बहुत करा रहा है। हाँ ये क्या, इसका कोई नाम नहीं होता? ये बाटी बहुत करा रही है। अच्छा ये बहुत मीठा है और अच्छा है। अच्छा और दाल बहुत अच्छी है, नॉर्मल है। नॉर्मल है ये लग रहा है हमें ना, मास्टर शेफ के जज हैं। हाँ जी। जो मतलब एक एक चीज के बारे में इतनी गुणवत्ता से बता रहे हैं कि मतलब ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, लेकिन एक्चुअल में इतना मजा आ गया। तो चलो आप लोग अपना लंच कंटिन्यू करो, मैं और ये खाने के बाद तुम भी कर लेना। हाँ मैं रेस्ट कर लेना, मैं बाटियां तल के लेकर आती हूँ आपके लिए। 1 hour later यहाँ पे एशना जी बिल्कुल आ गई है रेस्टिंग मोड में। भैया सोने तो थोड़ी देर। भैया मतलब सैया को बोल रहे हो भैया? मैं बहुत थक रही हूँ, सुबह से काम करा करा के मेरी रेल बनवा दी। रेल छुक 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 रेल गाड़ी। और इसको ट्यूशन छोड़ाओ बड़ंकी को। बड़ंकी ध्वनि तू ठीक ठाक थोड़ा पढ़ लिख ले। अच्छा पेंसिल तो तेरे हाथ में ही है, दिखाइयो अपनी चोट दिखा। ध्वनि तू थोड़ा सा ना लेट जा क्योंकि चोट अभी भी लगी हुई है, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा उसको। जिनी ट्यूशन चल रहा है? तुम दोनों ना ऐसे करते रहोगे, ये देखो दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे की पढ़ाई छुड़वा दें और मतलब मजे ही मजे हो जाए। कर लिया? हाँ। सच में? हाँ। तो रेस्ट करो, जाओ जिनी आओ, रेडी हो ना? चलो 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 हाँ भाई धोनी। हाँ। अब चोट कैसी है आपकी? सही है। सही है? मुझे लग रहा है ब्लड तो हल्का हल्का अभी भी आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और दर्द हो रहा है आपको? नहीं, नहीं हो रहा। दवाई टाइम से ली? हाँ। अब तू एक बात बता, इंजेक्शन लगवाते हुए तूने क्या फील किया? नहीं होता, तो 3-4 लगवा दे फिर। नहीं, नहीं? लेकिन डर तो लगता है थोड़ा बहुत, है ना? लगता है ना। और जिनी भाई आप लोग क्या कर रहे हो साथ में? कुछ नहीं, अभी बात कर रहे हैं और अभी एप्पल खा रहे हैं। और मेरे टेडी एप्पल खा रहे हैं। टेडी से पास ऑन द पास खेल रहे हैं? नहीं, नहीं? बैरी से हम लोग खेल रहे हैं। बैरी से? इसका नाम बैरी है। अच्छा इस टेडी का नाम आपने रख दिया बैरी? यस। ये भी ठीक है। और मैं दीदी ऐसे ऐसे कर रही है ध्वनि। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, आप एप्पल नहीं खा रहे, अभी 3 pieces रखे हुए हैं यहाँ पे। और मैंने अपने सारे खा लिए। अपने क्या होता है, मिल बांट के खाने चाहिए। मतलब मम्मी ने अलग अलग प्लेट दी थी हम लोगों को, तो एक प्लेट ध्वनि की थी, अभी ध्वनि के पीसेस बचे हैं, मैं अपनी। मतलब तूने अपने सारे खा लिए? मतलब जिनी लेट, मतलब ध्वनि लेट हो गई? ध्वनि ये बात गलत है, आपको ज्यादा एप्पल की जरूरत है, बिकॉज एन एप्पल कीप डॉक्टर। यस। बब्बू घोषा पियर, मैं तेरे से यही पूछने वाला था कि बब्बू घोषे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा जीनी तो एक बात बता, नहीं धोनी से पूछता हूँ, चलो पहले धोनी एक बात बता। नहीं पहले तेरे से पूछूंगा, अगर तूने नहीं दिया जवाब तो मैं जीनी दी से पूछूंगा, घिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घी। ये भी ठीक है। जीनी तेरा फेस तो मतलब कैसा सा हो गया? घिया को लौकी कहते हैं इंग्लिश में। लौकी बॉटल गार्ड, ये मम्मी पीछे से बोल गई है बॉटल गार्ड बोलते हैं। ये खानी तो चाहिए ना क्योंकि वो बहुत हेल्दी होती हैं। ध्वनि चल तू एक नेक्स्ट और लास्ट सवाल का जवाब दे दे, भिंडी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पियर। और बब्बू घोषे को पियर कहते हैं? लेडी फिंगर। जिन्हें अब तेरे से पूछ लूं मैं एक लास्ट, सीताफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीताफल को सीताफल होता है, सब्जी होती है सीताफल। हिंदी में उस सब्जी का नाम ही नहीं पता, इंग्लिश में पता है वो सब्जी, इंग्लिश में ही पता है। चलो फ्रेंड जिसको भी पता है कि सीताफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो जल्दी कमेंट करके बताओ, और वी होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, जल्दी इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।